मध्य प्रदेश चुनाव से पहले कांग्रेस को लगा तगड़ा झटका। बीजेपी में शामिल हुई कांग्रेस की स्टार प्रचारक साध्वी प्रियंका भारती। इस साल के आखिरी में होने वाले मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सूबे का सियासी पारा अपने चरम पर है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद तमाम दलों ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, तो वहीं दल बदलुओं के पाला बदलने का खेल भी शुरू हो गया है। इसी कड़ी में कांग्रेस को उस वक्त जोर का झटका लगा जब उसके एक स्टार प्रचारक ने हाथ का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। दरअसल मध्य प्रदेश में कांग्रेस के स्टार प्रचारक माने जाने वाली साध्वी प्रियंका भारती ने बुधवार को कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गई। प्रियंका ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। वहीं बीजेपी में शामिल होने के बाद साध्वी प्रियंका ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि वहां हिंदुत्व की बात नहीं करने दी जाती और जब उन्होंने एक बार राम मंदिर के समर्थन में बात रखी तो उन्हें चुप करा दिया गया। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि बीजेपी हिंदुत्व वाली पार्टी है, जब तक सांस रहेगी तब तक बीजेपी के साथ रहूंगी। उधर कांग्रेस अपने स्टार प्रचारक के इस तरह से बीजेपी में शामिल होने पर सवाल खड़े करते हुए इसे चुनावी स्टंट करार दिया है। कांग्रेस का कहना है कि प्रियंका भारती ने निजी स्वार्थ के लिए बीजेपी की सदस्यता ली है। आपको बता दें कि प्रियंका भारती ने अब तक कोलारस, मुंगावली और अटेर विधानसभा के उपचुनाव में जोर शोर से कांग्रेस के स्टार प्रचारक रहते पार्टी के उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया और तीनों ही विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस ने परचम लहराया। लेकिन अब वही साध्वी प्रियंका आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए प्रचार करेंगी। साध्वी प्रियंका का विदिशा और आसपास के क्षेत्र में खासा प्रभाव माना जाता है और साध्वी की बड़ी संख्या में अनुयायी भी हैं, लिहाजा प्रियंका के पार्टी में आने से बीजेपी को बड़ी मजबूती मिलने के आसार हैं। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।